हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्सन का L805 प्रिंटर को कैसे नोज़ल चेक और नोज़ल को क्लीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाते हैं, उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे, वहां पर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद हम प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में जाएंगे, वहां पर जा करके मेंटेनेंस वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नोजल चेक का ऑप्शन है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन, उसमें हम क्लिक करेंगे। बाकी का ऑप्शन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी समझ लेते हैं कि नोजल चेक कैसे करते हैं। मतलब नोजल चेक का मतलब हुआ कि आपका जो प्रिंट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई लाइनिंग टूट रहा है कि नहीं। अभी हेड क्लीनिंग के बारे में हम समझ रहे हैं, हेड को क्लीन कैसे करते हैं वो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेड क्लीनिंग के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया है और ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और प्रिंटर में LED जो है वो ब्लिंक करने लगा है। मतलब इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है क्लीनिंग का। ये कुछ देर चलेगा, मतलब कुछ देर का मतलब ये मान के चले कि 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है प्रिंट नोजल चेक, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेंगे। एक पेपर लगा देंगे, ब्लैंक पेपर कोई भी, वहाँ पर हम देख लेंगे कि नोज़ल सही से प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सारा नोज़ल्स उसका जो है वो सही है या नहीं है, वो चीज़ हम इस प्रिंट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसी तरह का, कोई भी नोज़ल का जो लाइनिंग है उसका अगर टूटा हुआ रहेगा तो समझिए कि क्लीन करने की ज़रूरत है, और सभी लाइन सही तरीके से आ गया तो समझिए कि सही है। तो ये हमको लग रहा है कि सब कुछ सही है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।